आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा संबंधित जो भी मामले थे उस पर बोर्ड सामने आया है, निराकरण निकालने की कोशिश की गई है। खुद माननीय रेल मंत्री जी ने सामने आकर हर मामले को स्पष्ट किया है। कमिटी का गठन भी हुआ है। छात्रों ने तार्किक तरीके से अपनी बात को रखा है। छात्रों से हमारा आग्रह है कि लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करना चाहिए। और अब तो माननीय रेल मंत्री जी सामने आए हैं, बोर्ड भी निराकरण निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हर किसी को संयम का परिचय देना चाहिए, वक्त का थोड़ा इंतजार करना चाहिए और ऐसे राजनीतिक दलों से बचना चाहिए जो छात्रों की इस मांग की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं। सरकार की हमेशा से प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे हमारे युवाओं को, नौजवानों को और छात्रों को उनका हक मिले, रोजगार मिले। देखिए, संविधान में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ और हिंसा की कोई जगह नहीं है। वैसे अब वक्त आ गया है जब केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आरआरबी और एनटीपीसी रिजल्ट्स के नाम पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान खान सर सहित जिन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे निसंदेह इस आंदोलन में और घी डालने का काम हुआ है। इसलिए राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि आंदोलनों के नाम पर शिक्षकों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करें, नहीं तो आंदोलन और भड़क सकता है।